सुबह आप सभी को नमस्कार। दिस इज नोटबुक बडी, एक नए वीडियो के साथ अपन फिर से हाजिर हैं। तो फाइनली जेसीईसी ने एक दिन के डीले के बाद प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट को अपलोड कर दिया गया है, जो कि आपके जेई मेन के ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे बनाया गया है। जेसीईसी ने दो लिस्ट अपलोड करा है। फर्स्ट लिस्ट इज फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि जेसीईसी काउंसलिंग के लिए फर्दर एलिजिबल है, एंड इन स्टूडेंट्स को स्टेट सीएमएल रैंक्स एंड स्टेट के कैटेगरी रैंक्स दिए गए हैं। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इस लिस्ट में आपको करीब 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स दिखेंगे। एंड जो दूसरा लिस्ट है, दैट लिस्ट इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर टेकिंग पार्ट इन द जेसीईसी काउंसिलिंग, एंड इन्हें कोई भी रैंक नहीं दिया गया है। तो ये जो दो लिस्ट जेसीईसी ने अपलोड करे हैं अपने वेबसाइट पे, इनके साथ हमें क्या करना है, आगे का क्या प्रोसेस है, तो ध्यान से सुनना। अगर आपको स्टेट का जो सीएमएल रैंक है, यानी कि स्टेट का जो जनरल रैंक है वो, एंड आपको अपना कैटेगरी रैंक मिल चुका है इफ यू बिलोंग टू अ रिजर्व कैटेगरी, तो आपको चुपचाप बैठना है, आपको कुछ नहीं करना है। बट अगर आपको लिस्ट वन से निकाल के लिस्ट टू में रखा गया है, यानी कि आपको नॉट एलिजिबल कंसिडर किया गया है, या फिर आपको एलिजिबल तो कंसिडर किया गया है, यानी कि आपका नाम तो है लिस्ट वन में बट यू हैव नॉट गॉट योर कैटेगरी रैंक, दो यू बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी कुछ भी हो, तो आप क्या करें। तो इन दोनों ही केसेस में जेसीईसी ने लिस्ट में सबसे राइट मोस्ट कॉलम में रीजन मेंशन कर दिया कि क्यों आपको आपका कैटेगरी रैंक नहीं दिया गया है, या फिर आपको नॉट एलिजिबल कंसिडर किया गया है। तो वहां पे जो मेन रीजन है वो है यू हैव नॉट अपलोडेड अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट, चाहे वो एलआरसी हो। एंड जो नॉट एलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट है उसे अगर आप खोलते हो तो आपको देखेगा कि सबका रीजन सेम ही है, वो एलआरसी डॉक्यूमेंट की वजह से ही आप सभी को रिजेक्ट किया गया है, क्योंकि एलआरसी यानी कि लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपका होता है, वो अगर आपका प्रॉपर फॉर्मेट का नहीं है, किसी प्रॉपर अथॉरिटी से वेरीफाइड नहीं है, तब आपको नॉट एलिजिबल कंसिडर किया गया है, जो कि सबसे मेन क्राइटेरिया है फॉर बीइंग एलिजिबल टू टेक पार्ट इन जेसीईसी काउंसलिंग। यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ झारखंड, एंड अगर आपका एलआरसी डॉक्यूमेंट ही गलत है तो आपको वो जेसीईसी ने नॉट एलिजिबल कंसिडर किया है फॉर दैट सेम रीजन। एंड जो सेकेंड इशू है कि आपको आपका कैटेगरी रैंक नहीं दिया गया है, अगेन रीजन सेम है कि आपने प्रॉपर अपना कास्ट सर्टिफिकेट, या इन केस यू बिलोंग टू टीएफडब्ल्यू या ईडब्ल्यूएस, आपने प्रॉपर इनकम सर्टिफिकेट, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करा है। तो अगर आप लिस्ट देखोगे वो, तो जिन भी स्टूडेंट्स के साथ कुछ इशू फेस किया है जेसीईसी ने, उन्होंने मेंशन कर दिया कि क्या प्रॉब्लम जेसीईसी ने फेस करा है, एंड फॉर द सेम रीजन स्टूडेंट्स को या तो नॉट एलिजिबल कंसिडर किया गया है, या फिर उन्हें उनका कैटेगरी रैंक नहीं दिया गया है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि आपको कैटेगरी रैंक भी चाहिए, जिन स्टूडेंट्स का कैटेगरी है उन्हें कैटेगरी रैंक चाहिए, एंड जिन स्टूडेंट्स को नॉट एलिजिबल कंसिडर किया है उन्हें एडमिशन भी लेना है, एंड दे हैव टू बी एलिजिबल। सो सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन ऑलरेडी मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आता है इन द स्टेट प्रोविजनल लिस्ट, प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट, तो आपको क्या करना है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी दिख जाएगा, जो कि जेसीईसी बोर्ड का ईमेल आईडी है। आपको उस ईमेल आईडी में जिस भी रीजन की वजह से आपको रिजेक्ट किया गया है, या फिर आपका कैटेगरी रैंक आपको नहीं दिया गया है, उस रीजन के अगेंस्ट आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके भेजना है थ्रू ईमेल। आपको अपने स्क्रीन पे एक डमी ईमेल दिख रहा है, आप सेम ऐसे कॉपी करके लिख सकते हो, या फिर आप अपने खुद के लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट मेक श्योर कि आप अपने सारे इन्फॉर्मेशन, चाहे वो आपका नाम हो, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, योर जेई मेन एप्लीकेशन नंबर, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है जो कि आपका जेसीईसी का एप्लीकेशन नंबर है, सब कुछ आप लिख के साथ में जो भी आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, चाहे वो एलआरसी हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, वो सब कुछ मेंशन करके, अटैच करके, आई एम सॉरी, आपको सेंड करना है टू जेसीईसी भी। एंड आपको ईमेल अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इस ईमेल में आप भेज सकते हो, एंड कुछ दिन में वो अगर जेसीईसी को लगता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट भेजा है, या फिर जो भी आपका इशू है वो रिजॉल्व करने लायक है, तो वो रिजॉल्व हो जाएगा, एंड योर नेम विल बी इंक्लूडेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। सो आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस क्लियर है। मेक श्योर कि आप प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भेजें, आपको आपके पास कुछ दिन का टाइम है इनकेस अगर आप अरेंज कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास है ऑलरेडी, अभी तक आपके पास आ चुका है डॉक्यूमेंट, तो आप भेजो थ्रू ईमेल एंड आपका नाम इंक्लूड कर दिया जाएगा इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। एंड देयर इज वन मोर थिंग जो कि मुझे स्पेसिफिकली वीडियो में मेंशन करना चाहिए,
बहुत सारे ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, बीसी वन एंड बीसी टू कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया है, यानी कि उन्हें सिर्फ स्टेट सीएमएल रैंक मिला है एंड दे हैवंट गॉट देयर ओबीसी कैटेगरी रैंक। इसके पीछे दो रीजन हो सकता है। फर्स्ट रीजन है कि जो भी आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो स्टेट वाला नहीं है। बहुत स्टूडेंट्स ने जो सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट है वो आपने अपलोड करा है, बट यू हैव टू नेसेसरली अपलोड द ओबीसी सर्टिफिकेट, बीसी वन एंड बीसी टू सर्टिफिकेट, जो कि स्टेट के थ्रू, स्टेट ऑफिशियल्स के थ्रू वेरीफाइड है। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन, पॉसिबल रीजन। एंड सेकेंड रीजन ये है कि आपने बीसी वन एंड बीसी टू सर्टिफिकेट तो प्रॉपर फॉर्मेट वाला ही आपने अपलोड करा है, बट यू हैवेंट अपलोडेड द नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। अगर आप सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिस्ट में सबसे लास्ट वाले पेज में जाओगे, उस लास्ट वाले पेज के सबसे नीचे मेंशन है कि बहुत सारे बीसी वन एंड बीसी टू के कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जनरल कैटेगरी में डाला गया है, फॉर द सेम रीजन आपने नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करा है। तो जब भी आप ईमेल सेंड करोगे टू द बोर्ड, मेक श्योर कि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, सारे जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपलोड करें। जो जिस भी रीजन से आपको रिजेक्ट किया गया है, आप उस रीजन के अगेंस्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप भेजे थ्रू ईमेल, अटैच कर दें एंड आप प्रॉपरली अपने ईमेल में सारे डिटेल्स को मैंशन करें। सो येस, दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड जिनको रैंक वगैरह सब कुछ मिल चुका है, सीएमएल रैंक, कैटेगरी रैंक, आपको कुछ नहीं करना है, वेट अप टिल 14th को फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड होगा आफ्टर ऑल द करेक्शंस आर मेड। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड एंड मचाते रहो। बाय।